भाई फिलहाल यह गांव की पंचायत जो है वो आ रही है एसपी ऑफिस रोहतक के अंदर। गांव में चोरी हुए हैं, ये जो नौजवान बालक खड़े ये टिकरी पहरे दे देगा रोके हैं, टिकरी पहरे दे दे रोके हैं, गाड़िया ने बेरा पटा है, फिर एक गाड़ी कई दिना तो नोटिस हुआ है गांव में, कौन सी वह पिकअप बोलेरो पिकअप नोटिस हुआ है गांव में, जो वह भी चोरी की लिकड़ा है और घना है गोलमोल सौदा, वो सारे बताओगे गांव वाले। पहले राम राम जी सारे ने, फिलहाल मेरी गल है बोलो चेयरमैन भाई राम राम। राम राम भाई। भाई साहब क्या मामला आपके गांव का? पहले तो सभी दर्शक साथियों को राम राम। भाई साहब गांव में आप भी थे जब चोरी? ना भाई थे। किसने पकड़ी थी उससे तो बात कर लें, जिसने पकड़ी क्योंकि आपने पकड़ी जी भाई। भाई राम राम भाई साहब। भाई और ना जाता हूं। अच्छा 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 जी भाई, आपने 20 बड़का की टीम बना के ये पकड़े हैं? अच्छा, क्यों कर पहले था, क्यों कर शक होया? भाई पहले उन्होंने हमारे ऑफिस में चोरी करी थी, बैटरी उतारी थी गाड़ी की, अच्छा ट्रैक्टर की, तब बैटरी उतारने के बाद हमने ठान लिया था भाई ये चोर पकड़ने हैं। हमने 20-25 बड़का की टीम बनाई पंचायत की मदद से, भाई चेयरमैन की मदद से हमने टीम बनाई। टीम बनाकर हमने टिकरी पहरा शुरू कर दिया। टिकरी पहरा शुरू करने के बाद हमने गाड़ी पे पहले से शक था, उस गाड़ी का हमने घेराव कर लिया। वो हमारे को घेराव करने के बाद घेराव भाई हमने अपना टिकरी पहरा बैठा रखा, चारों तरफ के गाँव के अपने आदमी बंदे बैठा रखे थे। भाई कोई भी गाड़ी आओगी ग्रुप में मैसेज करोगे, ग्रुप में मैसेज करके हमने भाई उस पर शक हो गया। शक होने के बाद हमारे टीम ने उसका पीछा किया। पीछा करने के बाद रेलवे फाटक बंद होने के कारण वो हमारे को मकड़ोली और चमरिया जो रोड वाली जो फाटक है उसके ऊपर वे फाटक बंद मिलने के कारण वहां रुक गए। वहां रुकने के बाद हमने उनको देखा, अब भैया गाड़ी तो हमने वही लग रही है। हमने उनसे आरसी पूछी, भाई कहाँ के रहने वाले हो क्या है? तो हमारे को भद्रभाषा बोल करके गाड़ी क्लोज दे करके बोले तुम्हारे को क्या है। हमने उनके ऊपर और भी ज्यादा शक हो गया, हमने और ज्यादा सख्ती से पूछने की कोशिश करी। तो उन्होंने कितने जने गए थे तब उस टाइम? हम कम से कम 10 ही आदमी थे उसको पकड़ने में उस टाइम पे। हमने उनसे और सख्ती से पूछने की कोशिश करी, तब उनको और भी गाड़ी क्लोज देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने उनसे बोला, भाई तुम्हें तो गाड़ी के कागज दिखा दे हमारे को। तो उसने एक आदमी ने पीछे से हमारे ऊपर पथराव कर दिया। अच्छा, नीचे उतर लिए थे गाड़ी? हाँ, गाड़ी से नीचे उतर लिए थे और उन एक आदमी ने हमारे ऊपर पथराव कर दिया। हम पीछे हट गए, हमारा पत्थर नहीं लगा। फिर हमारी भी जो बच्चे थे उन्होंने भी उनके ऊपर दो पत्थर फेंक दिए। तो रिएक्शन हो? हाँ, रिएक्शन हो गए। हमने पत्थर जैसे फेंके उन्होंने हमारे ऊपर गोली चला दी। अच्छा, गोली भी चली? गोली चला दी, दो फायर करे जिन्होंने वहां पर रेलवे फाटक पर। पीछे से हमने गाड़ी लगा के उनको घेर लिया था, उन्होंने आगे से फाटक बंद देख कर पीछे से अपना घेराव देख कर के उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी, दो तीन फायर कर दी उन्होंने। तो गांव वाले हम सारे उनके पीछे लगे तो उन्होंने फाटक तोड़नी शुरू कर दी, जो कि हमारे पास वीडियो में भी है, हमने उनकी वीडियो बना रखी है, वीडियो दिखाएंगे आपको लास्ट में सारी। नहीं एक बार दिखाते रहो, गल गल दिखाते रहो भाई साहब, नहीं गल गल दिखा दे रहो, क्योंकि देखो जो चीज है अगर वो आरोप लगा तो सिद्ध भी होना चाहिए। गल गल दिखाओ 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 दिखाओ, बोल तो मैं लूंगा, आप दिखाने का एक बार काम करो। टुंड साहब भाई पहले काट लेना, वो दिखा दियो जो जो बात को वो सारे सबूत आप लोग दिखाते रहियो एक बार। अच्छा, आवाज म्यूट कर लें, फिर क्या हो गया दिखा। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, आवाज कटे तो या देखो या फाटक तोड़ी, ये तो भीतर क्यों कर बढ़ गए थे? अच्छा, ये लठ ले गए तो मैं आ रहे हो ये वही वही है। अच्छा, ये सारे शक्ल दिखे नहीं दोनों की? नू उतरेंगे देखिए एक बार। अच्छा हाँ, ये तो फिर कल ना फिर दोबारा हमला उसका था या तोड़ के बाज गए? और कौन सी है भाई? और या के गोली का फायर आ गई इसमें फायर भी। अच्छा, और या के है फिर? तड़के गाड़ी। अच्छा, पकड़ भी ली तुमने? पकड़ भी ली, ये पत्थर तोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, एक मिनट सारी चीजें देख लेना के है और के कैसा अगर काटिए वहां से फाटक तोड़ के भाग गए हुए। हमने फिर उनका पीछा किया है, उनके पीछे हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी लगाई पीछे, फिर वो हमारे को गाड़ी गलोच दे के भाग गए आगे। गोली गाड़ी? हाँ, गोली चला कर भाग गए। फिर हमने आगे गाड़ी अटवाई है, हमारे बंदे हमने पहले बैठा रखे थे वहां पर, हमने वहां गाड़ी अटा दी, गाड़ी अटा के फिर घेर लिया उनको आगे रोड के ऊपर, फिर घिर गए हुए।
फिर उन्होंने देख लिया भाई पीछे से भी गिर गए, आगे से गिर गए भाई, हम घेराव में आ गए। फिर उन्होंने बराबर में हमारे ऑफिस का एक चार दीवारी करी थी, चार दीवारी के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी से सीधा टक्कर मारी है, वहां से भागने की कोशिश करी, जो कि हमारे पास फुटेज है वीडियो उसकी, जो दीवार तोड़ने का भाग के कोशिश करी उन्होंने, कोई ना सीधी चलने दो। एक कदम उठे हमारे गाड़ी ने। अच्छा आदमी थे उस टाइम उठे, आदमी था पीछे थे। अच्छा वही गाड़ी उतरी गई सीधे, ये तो फ्री की गाड़ी है, काम कर रहा है क्या गया, चोरी की थी गाड़ी, चोरी की थी जी, चोरी की थी। तो जी गाड़ी तोड़कर भागने की कोशिश करी हमने, वहां से पीछे का इनका ऊपर पत्थर हमने भी बरसाए हुए, हमारे पास पत्थर मार रहे थे, तब पत्थर मारने के बाद उन्होंने फिर फायरिंग शुरू कर दी हमारे ऊपर, दो तीन गोलियां वहां चला दी उन्होंने। अच्छा हाँ, हम अपना बचाव करते रहे, उनको घेरते रहे, इतना हमारी टीम पीछे से और आ गई, और हमारे सदस्य थे जो गाँव के, कुछ गाँव वाले आ गए, हमने उनको फिर चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी, तो फिर उन्होंने और फायरिंग कर दी हमारे ऊपर, तो उनको सही 10-12 राउंड चले, 10-12 राउंड गोली उन्होंने हमारे ऊपर चलाए है, पर फिर वो गाड़ी मजबूर हो गया छोड़ने के लिए, क्योंकि वो गाड़ी वहां पर आदमी ज्यादा होने के कारण फिर मानस है, फिर उसको गाड़ी के छोड़ को भाग गए, भाग गया हम फिर भी पीछे लगे। हाँ फिर उन्होंने हमारे ऊपर फिर फायर किया वहाँ पर, और वो रात का अंधेरे का मौका फायदा उठा गया, वो खेतों में भाग गए, हमने फिर भी पकड़ने की बात, रात ये रात ने 4:15-4:30 बजे की बात है जी। अच्छा हाँ सुबह सुबह, हाँ सुबह सुबह अंधेरा था उस टाइम पर। फिर गाड़ी में क्या पाया, गाड़ी में 72 पाई है बैटरी टावर की चोरी की ओर, और चोरी की गाड़ी पाई है, और उससे 4 दिन पहले हमारी वहां से 2 बैटरी लेके गए थे ऑफिस से, और उससे पहले गांव की जो मोटर मोटर भैंस भूसे भी खुल रही थी, उसमें भी ये सेम दिखाई दे रहे हैं, उनके डाठे हमने पहचान लिए, सेम है गाड़ी भी वही है, चोर यही है। अच्छा। सारी जितनी चोरी करने वाली प्रशासन दबा तो भाई साहब, आप तो बात करना, प्रशासन दबा तो प्रशासन ने भाई साहब 2-3 दिन में इसको क्लियर करने का आश्वासन दिया है, इलेक्शन की उस थोड़ा मतलब बिजी हो रहा प्रशासन, इलेक्शन होते ही इसने चोरा ने पकड़ने का वो कर। गांव के में बालक मेहनत करके अपने पैरा पूरा देवे हैं, और इस प्रकार का हुआ पुलिस ने कितना ध्यान देना चाहिए, पुलिस ने तो कुछ भी ध्यान ना दें भाई, मैं रिपोर्ट देवाने का आधा बैठरिया ही ऐसे तो नहीं बोले, 5,000 तले रिपोर्ट नहीं लिखते। अच्छा? मैं बोले हाँ, मैंने नहीं कही, मैं DIG से भारद्वाजा रिश्तेदार हूँ, जब ऊपर SI बुलाकर जब बोले हो आया ये रिपोर्ट, मैंने रिपोर्ट लिखने भी ऐसे तो साहब खुद नाइट गया था। अच्छा एयरपोर्ट में रुपया के मामला चो पैन चोरी की बात है भाई साहब, हमारे हमने पुलिस को सारी भागत्या की भी सारी फुटेज दे दी है, मैच खोलते ये दिखा दो भाई, ये मैच खोलते एक मिनट, ये आदमी है कल मिला गया, वही गाड़ी है वही आदमी है, ये खड़े पिस्तौल भी ले रहे हैं भाई साहब, हमने पुलिस को पूरी CCTV कैमरे की फुटेज दे दी, आदमी पहचान माओ है भाई, टिकरी पर आदमी नहीं लिए कोई नहीं, कोई नहीं था अब तक, इतना तोड़ लेंगे देखो, तो प्रशासन का काम है, हमने अपना जो काम था वो करके दे दिया, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर इबका एक्शन लिया हुआ, वो आज आश्वासन दिया है SP साहब ने, अब भाई जल्दी से जल्दी इसको पकड़ देंगे हम, हमने पूरी फुटेज दे दी, कल ना अगले और गैंग हो गए वो और मानस इकट्ठे हो कहा जावे हमला हो जावे, उस चीज का कोई आश्वासन दिया कि PCR काम में रहेगी या कुछ ऐसी PCR का चक्कर मारा काम में, बाकी सा कोई ठोस कदम नहीं है, आश्वासन दिया SP साहब ने, परमानेंट लाने की नाटी है कि गश्त मार देगी 2-3 रात में। चलो फिलहाल ये बातें थी, गांव में चोरी हुआ और भी गांव में सावधान होने की जरूरत है, जो इस मकडोली गांव ने सावधान होकर जो और होने वाली चोरी है वे बचाई है, और जो चोर है वे भी पकड़े हैं, और गांव ने भी इस चीज से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि रोज मैच खुले हैं और रोज मोटर पाटे हैं, रोज इसी छोटी मोटी नरी चोरी होगा मैम, तो गांव में और सतर्क होने की जरूरत है, और प्रशासन ने कितना ध्यान देने की जरूरत है इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर। भाई साहब ये भाई के घर में चोरी हुई थी, मैसेज की खुली थी, आइए लंबरदार, तीन आदमी एकला घर में रहा है, पिस्तौल ले रहे हथियार ले रहे, एकला बाहर लकड़ा हुआ इसके गले के हुआ है, तो प्रशासन तो हमने सप्ताह में लिया, हम कोई कार्रवाई नहीं हो रही 1% भी, कौन बोलनी है नहीं, हाँ को मारे गांव में छक्का बड्डा गांव, हमारे गांव में को कार्रवाई नहीं हो रही भाई साहब, और हम इस चीज तो दुखी है। सरपंच कल पंचायत हुए थे, सरपंच साहब क्या बोले भाई, सरपंच कल सरपंच साहब ने पंचायत में कही थी, बस हमने पंचायत करांगे, साहब ने बोला था भाई अनाउंसमेंट करा दें गांव में, और सुबह 10 बजे पंचायत होगी गांव में,
सरपंच के पास हमने सुबह 10 बजे फोन करा, भाई सरपंच साहब आ जाए, सारे इकट्ठे हो रहे हैं। सरपंच साहब बोला भाई मैं नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता भाई? बोला मेरा लड़का बीमार है और तुम्हारी बात नहीं मानते। भाई तेरी क्या बात मानना? अब भाई तुम्हारी बात नहीं मानते, जो मैं काम का मालिक में हूँ, जो मैं कहूँगा वो करोगे। तू क्या होगा भाई? हम काम को गलत करवा, अब गलत करा जब तक तू हम ना कहोगा। जनप्रतिनिधि का यो काम तो भाई साहब वो तो बात कर लेंगे, गांव की बात है, अपन इसमें बैठ कर बात करेंगे, जो भी बात हुई है समझावांगे। बाकी ये बात कहनी नहीं चाहिए। पंचायत बुला का खुद मोदी नहीं आवे, क्यों बना रखे फिर वो? जब हमने पंचायत ने गांव ने मिलकर सरपंच बनाया किस ती गाय में कोई दिक्कत होगी तो पंचायत को ठीक करी जाएगी, जिसमें उन्हें खुद मुनादी करके और पंचायत बुलाई और वो मौके में खुद वहां से आने से मना कर दे है। चलो आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके आप लोग भी बता दिए, और सतर्क होने की जरूरत है। बार बार मैं इसमें कहने लग रहा हूँ कि सतर्क होने की, हर गांव ने, हर गली में, हर व्यक्ति ने सतर्क होने की बहुत जरूरत है। राम राम जी। अगर इस पर 5-7 दिन में एक्शन नहीं होया तो रोड ब्लॉक कर दें भाई, कति पूरे काम का यही वो है। अब 5-7 दिन के अंदर जो हमारे ही बात पर चोर नहीं पकड़े गए तब पूरा काम एक्शन लेगा और रोड को ब्लॉक कर देंगे भाई। रुक न्यू रहे हाँ, इलेक्शन का टाइम है हाँ, नहीं तो रोड को ब्लॉक कर देंगे कभी। कुछ भी आपका क्या कहना है कमेंट करता। राम राम। जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। असली तय तक पहुंचने की कोशिश प्रशासन करने लग रहा है, लेकिन गांव वाले पे खुश नहीं है क्योंकि कुछ समय न्यू भी लगने लग रहा है। इलेक्शन है और उसके बाद भी गांव वाले ने 5-7 दिन का इलेक्शन ने देखते हुए टाइम दिया है।